पर काले कपड़ों में संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज से दिग्गज नेता शामिल हैं और सब ने काले कपड़े पहनकर विरोध का रास्ता अख्तियार कर लिया है। दोस्तों, कांग्रेस महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ शुक्रवार यानी आज सड़क से संसद तक प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली को चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन दिल्ली में तैनात कर दिया गया है। कुछ देर में ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीएम आवास का घेराव भी करने वाले हैं। प्रियंका भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गई हैं। उधर प्रदर्शन को देखते हुए अकबर रोड पर भारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस ने 3 लेयर में जवानों को तैनात किया है। किसी भी कार्यकर्ता को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस बीच केंद्र के खिलाफ विरोध जताने के लिए सोनिया गांधी, राहुल समेत कांग्रेस के सभी सांसद सदन में काले कपड़े पहनकर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रियंका गांधी प्रदर्शन के लिए काले कपड़ों में निकल चुकी हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि 83% लोगों की आय घट गई है और मोदी सरकार रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ाकर जनता को प्रताड़ित कर रही है। इससे आम आदमी के घर का बजट हिल गया है। पार्टी ने कहा है कि देश की जनता महंगाई से पूरी तरह से त्राही त्राही कर रही है और मोदी सरकार ने हर साल जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था वो भी बिल्कुल पूरा नहीं किया है। आपको बता दें कि दही, पनीर, लस्सी, चावल जैसी कई उत्पादों की कीमत अब बढ़ गई है। इन उत्पादों पर 5% जीएसटी लगा दिया गया है, लेकिन जो कंपनियां हैं उन्होंने सीधा सीधा 50% दामों में वृद्धि कर दी है। खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाए जाने का राजनीतिक दलों ने घोर विरोध जताया था। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि 2019 के बाद से अब तक जरूरी चीजों के दामों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पार्टी सदस्य यानी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में सड़कों पर भी कार्यकर्ता ने पूरी ताकत दिखाई थी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किए और मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगा चुके हैं। महंगाई, जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों को लेकर संसद का मानसून सत्र भी अच्छा खासा हंगामेदार रह चुका है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संसद के मानसून सत्र में इन मुद्दों को जोरों शोरों से उठाया और मोदी सरकार को घेरने की पूरी पूरी कोशिश की। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने विजय चौक से ही डिटेन करना भी शुरू कर दिया है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का हौसला कम होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी का जो बहाना इन लोगों ने कर रखा है, लोग इससे बहुत दुखी हैं। लोग डर के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। इतना भय पैदा हो गया, इतना डर बना दिया है लोगों के अंदर कि सरकार समझ नहीं पा रही है। इस देश में लोकतंत्र बस अब नाम का रह गया है। असहमत व्यक्त करने वाले को आप जेल भेज रहे हैं। इस पर ना मीडिया बोल रहा है और ना ही जनता बोल पा रही है, क्योंकि उनको डर है। अगर ये बात समझ नहीं आएगी तो लोग सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को दिक्कत आ जाएगी। इसके साथ ही गहलोत ने आगे कहा कि आज दिल्ली में जो रोक लगी है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जब विपक्ष में बीजेपी या अन्य पार्टियां थी तब भी कई रैलियां हुई, कोई रोक नहीं लगाई गई। अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई रैली निकलती है और लोग जुड़ते हैं तो इससे सरकार की आंखें खुलती हैं, मगर यह सरकार इससे भी चूकना चाहती है। अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं और एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इसको इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से ही शेयर किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि तानाशाह अपने पुलिसिया पहरों से डराने निकले हैं, मगर हम कांग्रेसी योद्धा भी इंकलाब की मशाले लेकर निकले हैं। आज पूरा देश महंगाई पर हल्ला बोल रहा है और ये जो पूरा वीडियो है आप इसको फुल स्क्रीन पर देखिए। इसमें जो लोगों की तादाद है उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि ये प्रदर्शन कितना बड़ा है। आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, इसको भी इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से ही शेयर किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि बारिश हो रही है लेकिन जो कार्यकर्ता है महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है, उनका हौसला इतना ज्यादा है जिसको सत्ताधारी जो सरकार है वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं कर सकती है। बारिश हो रही है, सबने छाता लगा रखे हैं, कार्यकर्ता जो है वो बिना छाता के ही नजर आ रहे हैं, बारिश में भीगते हुए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें लिखा गया है, बारिश की बूंदे हैं मगर हमारे हौसले
हौसले बुलंद हैं, महंगाई पर हल्ला बोल। इस वीडियो को भी आप फुल स्क्रीन पर अपनी देखिए। वहीं दूसरी तरफ आपको ये तीसरी और अहम तस्वीर दिखाते हैं, इसको भी आप फुल स्क्रीन पर देखिए। साथ ही साथ आप ये देखिए इसमें कि किस तरीके से जो महिला कार्यकर्ता हैं उनको कैसे घसीटते हुए पुलिस प्रशासन लेकर उन्हें बसों में डालने की कोशिश कर रहा है, यानी डिटेन करने का जो प्रोसेस है उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसको CDR अनुपमा आचार्य, जो रिटायर्ड हैं ऑफिसर, उन्होंने लिखा है कि महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाते कांग्रेस के सिपाहियों का केंद्र सरकार की पुलिस द्वारा क्रूर दमन, महंगाई पर हल्ला बोल। ये आप देखेंगे इसमें महिला जो हैं इन्होंने अपने गले में सब्जियों की माला डाल रखी है और उनको पुलिसकर्मी उठाकर बस में किस तरीके से क्रूरता से डालते हुए नजर आएंगे, ये आपकी स्क्रीन पर है जो आप देख रहे हैं। महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार, वो भी लोकतंत्र में, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ ही देश के अलग अलग कोनों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उसमें हम महाराष्ट्र यानी मुंबई का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस नेताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया है महाराष्ट्र में। इसको न्यूज 24 की तरफ से शेयर किया गया है। राजभवन जाने से पहले पुलिस ने आजाद मैदान पर उन्हें रोक दिया। ये बाइट जो है जिसमें तस्वीर है, इसमें नाना पटोले की तस्वीर है जो आप देख पाएंगे। इन सब लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन इनको जो है जाने से रोक दिया गया और बीच रास्ते से ही इन्हें वापस कर दिया गया। इसके बाद दूसरा वीडियो है, न्यूज 24 ने ही शेयर किया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी काले कपड़ों में विरोध प्रदर्शन के लिए निकल चुकी हैं, यानी पीएम आवास का और राष्ट्रपति भवन का जो घेराव करना है राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को, उसके लिए वो निकल चुकी हैं और आगे वहां जो है पुलिस प्रशासन उनको जाने देता है या नहीं जाने देता है, बीच में ही रोक देता है। फिलहाल ये आगे की खबर है, जब आएगी तब हम आपको बताएंगे, लेकिन पल पल की जो अपडेट है वो हम आपको जरूर देते रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि संसद के बाहर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसके साथ साथ दिग्गज नेताओं ने खड़े होकर बैनर पोस्टर लेकर उन्होंने महंगाई का विरोध प्रदर्शन किया और जिस तरह की जांच एजेंसियों पर आरोप लगते रहे हैं कि वो सत्ताधारी पार्टी के लिए ही काम करते हैं, सिर्फ जो विपक्ष में उनके खिलाफ बोलता है उन पर सीधा सीधा CBI और ED की ये जो एजेंसियां हैं ये लगा दी जाती हैं और फिर उन्हें कैसे चक्रव्यूह में फंसाया जाता है ये सब कुछ सामने, इसको लेकर संसद के बाहर भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। अब आगे का रुख क्या होने वाला है, पुलिस प्रशासन कैसे इसको जो है चप्पे चप्पे पे बिठा रखा है वो काबू करता है, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता राष्ट्रपति भवन या पीएम आवास तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें आवास का घेराव करना है, आने वाले जो है वीडियो में हम उसकी पूरी जानकारी देंगे। तब तक आप नेशन 360 के साथ लगातार बने रहिए। जय हिंद।